हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्गाइस अकेडमी। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूज़ एंड द आर्टिकल्स विच आर देयर इन द न्यूज़, और द हिंदू न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और आज जो कि 8th of June है, तो 8th of June के न्यूज़पेपर को हम डिस्कस करेंगे, और किसके पर्सपेक्टिव से, UPSC CSE एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो है हम इस न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। एंड विल सी कि एग्जैक्टली वॉट ऑल आर देयर इन द न्यूज़। एंड सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, एक न्यूज़ है और एक है कनेक्शन। हमको इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद अपने जो स्टडीज़ हैं उसके कनेक्शन को भी देखना है ना। और इस चीज़ को समझने के लिए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा तमिलनाडु टॉप्स द फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये न्यूज़ में है, और किस तरीके से इसको जो है तमिलनाडु ने जो है 20 लार्ज स्टेट में इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी। देखिए, फूड सेफ्टी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर हम समझें, एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। फूड डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन से कनेक्ट होता है। फूड डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे लाइफस्टाइल से, फूड डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारी हेल्थ से। एंड डेफिनेटली यू नो दैट हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे साथ प्ले करता है, चाहे हमारा वर्क हो, चाहे स्टडीज़ हो, है ना। किसी भी चीज़ में फूड इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एक कहते नहीं, एक बहुत वाइटल एजेंट है जो कि हमारी लाइफ में प्ले करता है। और एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ को तो आपको समझना ही है, न्यूज़ तो आप पढ़ के भी जो है खुद भी समझ लेंगे, लेकिन न्यूज़ को तोड़ के उसको इजी लैंग्वेज में समझाना जो है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए भी ट्रायर लेवल बेस्ट कि आपको उस चीज़ को समझने में, एंड दैट टू जब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो उसके पर्सपेक्टिव से हम यह देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम FSSAI कहते हैं। और जो अपना जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने टॉप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में, है ना। एंड सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये रैंकिंग्स पूछ लेते हैं कि कौन पहले था, कौन बाद में था, है ना। स्मॉलर स्टेट्स में देखें तो गोवा सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे था, गोवा के बाद मणिपुर था, फिर सिक्किम था। यूटीज की बात करें तो यूटी में JNK जो है सबसे टॉप पे था। तो इस तरीके से देखिए, तीन रैंकिंग हो गई हमारे पास। एक ओवरऑल लार्ज स्टेट की बात करें तो उसमें तमिलनाडु, स्मॉलर स्टेट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल तो गोवा, यूटी की बात करें अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल तो जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर होगा यूटी में, सेकेंड में दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़। तो ये कहीं ना कहीं एक रैंकिंग जो है ये देखने को मिल रही है स्टेट्स की। एंड यहाँ स्कोर भी देखिए मेंशनड है, है ना, यहाँ स्कोर भी जो है मेंशनड है। और जो फूड को हमने कनेक्ट किया एंड द इम्पॉर्टेंस, अगर मेंस में ये क्वेश्चन पूछ ले इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड इन आर डेली हैबिट या इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड इन आर इकॉनमी, तो आप उसको बहुत से एंगल्स, चाहे आपका पॉवर्टी हो, न्यूट्रिशन हो, मैल न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, इन सारे, देखिए आदमी अगर हेल्दी होगा तो फिर डेफिनेटली हेल्दी आदमी काम अच्छे से करेगा, जब काम अच्छे से करेगा तो रेवेन्यू जनरेट करेगा, जब रेवेन्यू जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है मल्टीप्लाई करेंगी, और जब चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगी तो वो हमारे स्टेट के लिए, हमारे रीजन के लिए जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होगी। ये चीज़ को हमको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वी हैव टू अंडरस्टैंड, और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो है हमको इस न्यूज़ को जो है एनालाइज करना है, और हमको इस न्यूज़ को देखते हुए अपने UPSC के एस्पेक्ट से जो है इस चीज़ को स्टडी करना है। डायरेक्टली जो चीज़ न्यूज़ में दी है उसको भी समझना है, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाइए इस चीज़ का भी। अगर फूड की इम्पोर्टेंस इन आर कंट्री पूछें, इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट है, जनरल पब्लिक पे क्या इफ़ेक्ट है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ये हम रैंकिंग भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और FSSAI के बारे में यहाँ बात हो रही है,
यहाँ पे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे जो है ये चीज़ें सामने आई हैं। एंड यहाँ पे जो डॉक्टर मांडविया हैं उनका स्टेटमेंट है, वी शुड कम टुगेदर टू बिल्ड अ हेल्दी नेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम साथ आएँ। तो फर्स्ट थिंग, साथ आने में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? कॉपरेशन। तो वी शुड हैव अ कॉपरेशन अमंग देम, अमंग आर सेल्फ एंड विथ अदर्स, सो दैट वी कैन कम टूगेदर टू फॉर्म अ कॉमन स्टेज। तो यहाँ पे हम कॉमन स्टेज की बात कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे एक यूनिटी फैक्टर की बात हो रही है। एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे सारे स्टेट्स का प्रेजेंट होना, सो दैट, क्योंकि सब अगर एक साथ हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली की ताकत नहीं होती लेकिन एक मुट्ठी में ताकत होती है, तो लाइकवाइज सेम गोज कि स्टेट्स कोई भी हो, जैसे यहाँ कैटेगराइज कर रखा है बिगर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज में, बट ट्रस्ट भी कोई भी हो, कितना भी साइज हो, कितना भी पॉपुलेशन हो, इट हैज़ टू कम टुगेदर टू इरेडिकेट द फूड प्रॉब्लम, द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू इन आर क्या बोलते हैं फूड इन आर डेली हैबिट्स इन आर डे टू डे लाइफ्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू सी दैट कि किस तरीके से ये इंडेक्स को, इन चीज़ों को हम यूज़ करके अपने जो एक्टिविटी है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तमिलनाडु जैसा हमने देखा, ये फूड सेफ्टी जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में इस साल जो फर्स्ट आया, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। स्मॉलर स्टेट की बात करें तो गोवा वॉज द वन जो कि फर्स्ट था, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। यूटीज़ में जैसा हमने देखा जम्मू कश्मीर, देन चंडीगढ़, दिल्ली एंड चंडीगढ़ सॉरी। फिर जो फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, उसके परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं ऑन स्टेट बेसिस, तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एक 5 सेट पैरामीटर्स है जिसपे हेल्थ मिनिस्ट्री इसको कहीं ना कहीं इसके परफॉर्मेंस को मेजर करा है। और जो रेटिंग है वो FSSAI ने की है। डॉक्टर मांडविया ने क्या कहा कि स्टेट्स हैव इम्पॉर्टेंट रोल इंश्योरिंग फूड सेफ्टी। देखिए, फूड सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, थी और रहेगी। जब हम अपने 5-year plan की भी बात करें, तो जब हमारा 5-year plan स्टार्ट हो, हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने सबसे पहले फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ काम किया था, है ना, कि हमारे खुद के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने लिए उत्पादन कर सकें। वी कैन प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड सो दैट कि हमको एटलीस्ट जो फूड सफिशिएंसी है वो इतनी रहे कि जो हमारा जो पॉपुलेशन है उसको हम फीड कर सकें और उसमें कहीं से कोई दिक्कत ना आए। और देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कही, वी शुड कम टुगेदर टू बिल्ड अ हेल्दी नेशन। जब फूड अवेलेबल होगा, है ना, और लोगों के पास उसकी एसेसिबिलिटी होगी, लोग उसको खरीद पाएंगे मार्केट्स में राइट प्राइस पे, राइट प्लेस पे वो अवेलेबल होगा। देखिए ये चीज़ें जो मैं कोट कर रहा हूँ, ये कल के डेट में अगर आप 2022 का मेंस भी देंगे तो इसमें आपके काम आएगा। आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं, इस तरीके से शुरुआत करके उसकी एंड कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रेजेंटेशन पार्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन कितनी भी डाल लें अगर उसको प्रेजेंटेशन एक टैबुलर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में ब्यूटीफुली कहीं अंडरलाइन करना है तो कर लिए, कहीं बोर्ड लिखना है तो लिख दिए, एक कहीं ना कहीं एक बर्ड्स आई व्यू भी जब हम उस चीज़ को देखें तो हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से उस आंसर का जो फ्लो है ना, आंसर का फ्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं UPSC के मेंस पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बात करूं तो आंसर का फ्लो इज डेफिनेटली बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, डॉक्टर मांडविया फर्दर लॉन्च वेरियस इनोवेटिव इनिशिएटिव्स जैसे ईट राइट रिसर्च अवार्ड ग्रैंड एंड ग्रैंड फेज 2, ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फेज 3, स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन एंड लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार। देखिए ये चीज़ें कब कहाँ से UPSC उठा लेगा, नो वन नोस। आपको छोटी चीज़ें, स्पेशली जो
एक कहते नहीं है, कुछ जागन्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिससे कहीं ना कहीं, जैसे अब यहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सबसे ज़रूरी जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं, कितनी साफ़ सफाई से कैसे फूड अवेलेबल है, किस क्वालिटी में, किस तरीके से अवेलेबल है, किसने रैंकिंग दी, कौन कौन रैंक आया, किस 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 कैटेगरी में, कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि क्या गोवा टॉप रैंकर था इन ओवरऑल स्टेट, क्या गोवा, क्या बोलते हैं यूटी में कौन टॉप था, कौन ऊपर था, कौन नीचे था। तो इस तरीके से कभी कभी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जो है, डेफिनेटली यू नो दैट कि यूपीएससी लव्स टू डू दैट। तो हमको हर तरीके से चीज़ों में तैयार रहना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात हो रही है, एक तो जीएसटी से रिलेटेड है डेफिनेटली, एक पूरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आप 2023 2022 का या 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2022 में आप मेंस या 2023 में आप प्री दे रहे हैं, डेफिनेटली फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वैसे भी है। और इस आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू द राइटर जिस तरीके से चीज़ें मैंशनड है उसको मैं डिस्कस करूँगा, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल है, हम पहले भी इसमें कई बार जीएसटी की उसे बात कर चुके हैं काफ़ी दिन से। एक तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का यू नो ऑन 19th में जैसा इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स जो है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो बात हुई थी कि सपोज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएस से कोई चीज़ इंडिया मंगा रहा हूँ, उस पर जो है फ्रेट लग रहा है ना, फ्रेट ऑलरेडी पे किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ आ रहा है तो फिर हमको फिर जीएसटी भी लग जा रही है। इस तरीके से एक जो चीज़ है जिसके आधार पे केस जो है दर्ज कराया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अलावा भी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जो कि जीएसटी काउंसिल को लेके, क्या बोला कि जो जीएसटी काउंसिल की जो भी सेइंग है, जो भी रिकमेंडेशन है, वो बाइंडिंग नहीं है, है ना। अब तक क्या होता था कि जीएसटी काउंसिल जो बोलती थी वो कहीं ना कहीं वो स्टेट्स जो हैं उसको फॉलो करते थे उन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक इस तरीके की बात हो रही है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने इसको सीधे सीधे जो है बोला है कि द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर द यूनियन और द स्टेट, है ना। तो ये एक कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूनियन गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि इस तरीके से कोई चीज़ सामने आए। तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट दैट दोज थिंग्स कि ये चीज़ हमेशा से थी और ऐसे ही थी, और डेफिनेटली यू नो कहीं ना कहीं एक चीज़ें हैं, ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से ये जो वर्डिक्ट है, ये जो सामने चीज़ें आई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रटेशन है, वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वो इसको लेते हैं। और यहाँ पे फेडरलिज्म की जो बात हो रही है, यहाँ पे साफ साफ जो यूनियन है, जो स्टेट है ना, उसमें एक कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं उसके लिए बात हो रही है कि किस तरीके से रोल प्ले करता है जीएसटी काउंसिल में। यू नो अगर आपको एक पर्टिकुलर जो अमाउंट चाहिए किसी भी रिकमेंडेशन को अप्रूव करने के लिए, एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज चाहिए, उसमें भी अगर यूनियन गवर्नमेंट आपके साथ नहीं है, सारे स्टेट्स भी हों साथ में, तो वो चीज़ फॉलो या अलाउ जो है नहीं कर पाएंगे, वो उससे पास नहीं करा पाएंगे। इसको हम इस आर्टिकल में और आगे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बार बार जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि इसमें जो लिखा है कि जो जो भी चीज़ें हैं, यू नो जो भी डिबेट्स हैं जीएसटी काउंसिल में, वो बेसिकली पॉलिटिकल लाइंस पे ज़्यादा हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ टैक्सेशन, पॉलिटिकल लाइंस पे, यहाँ जैसे लिखा है पॉलिटिकल लाइंस पे ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक टैक्सेशन पे नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें हैं, जो इंस्टेंसेस हैं कि जो स्टेट गवर्न जो ऑपोजिशन पार्टी में है वो वोकल हैं, वो अपने काउंटर पॉइंट्स जो है वो रखते हैं, सामने रखते हैं, उनको जो भी कंपनसेशन मिलना है, यू नो ड्यू टू ये जो जीएसटी कलेक्शन में जो शॉर्टफॉल आया है कोविड 19 पैंडमिक की वजह से,
तो वो अपनी चीज़ को रखते हैं, लेकिन वही चीज़ जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉमन रूलिंग पार्टी अगर हैं तो वो चीज़ वो स्टेट जो है यू नो नहीं अपनी बातें रखते हैं, वो म्यूट स्पेक्टेटर यहाँ पे बोला गया इस आर्टिकल में कि वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनी बातें नहीं रखते हैं सामने। इस तरीके की बातें जो हैं इस आर्टिकल में बोली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं एक बात है कि यू नो यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक कॉमन जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है फॉर द पीपल, उस चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है आगे लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें जैसे हमने बात किया यू नो यूनियन ऑफ इंडिया मोहित मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 19 मई को जो है डिसाइड किया पिटीशन रिलेटिंग टू लेवी IGST के हिसाब से जो है ओशन फ्रेट जो है फॉरेन सेलर्स और शिपिंग कंपनी, ये जो चीज़ें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस केस के बारे में, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब ये चीज़ आई थी। और यहाँ पे जो बेसिकली जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या जो कंपनसेशन की बात हो रही है इसको हमने देखा, प्लस जो आर्टिकल 246A है इसका, उसमें क्या पावर देता है ये यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन GST, है ना। इन अदर वर्ड द टू टीयर ऑफ इंडियन यूनियन साइमल्टेनियसली लेजिस्लेट ऑन मैटर ऑफ GST एक्सेप्ट IGST, है ना, विच इज़ इन लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट। तो IGST है, इसका क्या डोमेन है, इसका जो डोमेन है पर्टिकुलरली वो यूनियन गवर्नमेंट इसको लेजिस्लेट कर रही है। ऑब्वियसली इट कैन बी इन्फर्ड दैट नीदर ऑफ द लेजिस्लेशन कैन सुपरसीड ईच अदर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो कितनी प्रैक्टिस में हैं ये एक देखने की चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये जो बात हो रही है इस आर्टिकल के द्वारा या पहले भी जो आर्टिकल्स आए कि GST काउंसिल की जो चीज़ें हैं वो कितनी बाइंडिंग है कितनी नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है कि किस तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट करें स्टेट्स जो हैं, और वो एक चैलेंज के रूप में जो है सामने जो है आ सकता है। फिर हम आर्टिकल 279A की बात करें, स्टिपुलेट्स क्या क्रिएशन ऑफ द GST काउंसिल और फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर पूछ ले आर्टिकल 279 ने जो GST काउंसिल, तो क्रिएशन ऑफ GST काउंसिल एंड इट्स फंक्शंस। तो काउंसिल हैज़ टू मेंटेन, काउंसिल हैज़ टू फंक्शन कैसा, एक प्लेटफॉर्म की तरह जो कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ, देखिए टुगेदर का यहाँ मतलब क्या है, जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, टुगेदर मतलब कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ है, एज अ मार्क ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप एकदम इग्नोर मत करिए, इस चीज़ को नोट डाउन करिए एंड मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो काउंसिल है वो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी 75% ऑफ वेटेड वोट डिसाइड ऑन ऑल मैटर पर्टेनिंग टू GST एंड रिकमेंड्स अ डिसीजन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो 75% जो पहले भी हमने बात करी कि अगर सारे स्टेट भी जो है एक साथ आ जाएं, लेकिन अगर यूनियन जो है स्टार्ट साथ नहीं है तो कोई भी डिसीजन को लिया नहीं जा सकता है, कोई भी एक चीज़ को डिमांड को फुलफिल नहीं की जा सकती है, उसमें यूनियन को आना ही आना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होते हैं, तो यहाँ पर फिर एक थोड़ी सी जो है दिक्कत एक जो है सामने लगती है। द पर्पज़ ऑफ GST क्या है, ऑब्वियसली पर्पज़ ऑफ GST है कि एक हार्मोनाइज्ड कॉमोडिटी टैक्स है टू मेक इंडिया ए सिंगल मार्केट। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखिए अगर कोई मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थ्रू आउट द कंट्री अगर एक हारमोनियस यू नो टैक्सेशन सिस्टम है, एक हारमोनियस वे में चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, एक यू नो एक बहुत प्लान्ड वे में चीज़ों को पुट इन कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है एक अट्रैक्शन का काम करता है। और वो अट्रैक्शन के वजह से कहीं ना कहीं जो है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज डेफिनेटली होते हैं। एक एटमॉस्फेयर जब कंजीनियल होता है तो वर्किंग जो कल्चर होता है वो एक बहुत पॉजिटिव वे में डेवलप कर सकता है। इन ऑफ कोर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट द डिबेट इन द GST काउंसिल विल बी ऑन पॉलिटिकल लाइंस, जो हमने बात करी दैन ऑन इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो पॉलिटिकल लाइन में हम डिसाइड करेंगे कि भैया हमारी पार्टी यूनियन में है और वो स्टेट
अगर कोई चीज़ है जिसपे वो बोलना भी चाहे वो ना बोले, अगर ऐसा है जैसा इस आर्टिकल में लिखा है, तो फिर एक कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर अपना इंटरेस्ट या जो कंपनसेशन की यहाँ बात हो रही है ड्यू टू द कोविड 19 पैंडमिक की वजह से जो कंपनसेशन दिया जा रहा है, जिसको जून 2022 तक एक्सटेंड करने की बात हो रही है, जिसको तो कहीं ना कहीं एक, क्योंकि जो करंट मार्केट सिनेरियो है, जो करंट रिसेशन का, वो ऑलरेडी जो ग्रोथ है ना, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अगर बात करें, स्लो ग्रोथ है इफेक्टिव रेवेन्यू अंडर जीएसटी, तो ये कंपनसेशन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टेट्स के लिए। अब अगर हम बात करें द शैडो ओवर द ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी आर लॉन्ग, देखिए ऑलरेडी कोविड, जैसा भी हम पिछले आर्टिकल में बात कर रहे थे, कोविड 19 का जो पैंडमिक है वो ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट सभी को जो है वो अफेक्ट किया है ना, जो परसेंटेज है वो डिफरेंट हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सबको जो है वो अफेक्ट किया है, और इस तरीके से अफेक्ट किया है कि हर एक नेशन के सामने एक चैलेंज जो है ना, और किस चीज़ का चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को मेंटेन कर पाना। भाई जब आदमी की हेल्थ नहीं अलाउ करेगी, अगर कोई रॉ मटेरियल हमको इंपोर्ट करना है तो उसमें या तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, या सेम क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं होगा, या उपलब्ध ही नहीं होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं सामने दिख रहे थे जब, या दिख रहे हैं जब हम कोविड 19 पैंडमिक की बात करें, तो ऑलरेडी बहुत सारी जो इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं जो है शेकन थी, है ना, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था रिवाइवल का। जब यहाँ पर रिवाइवल के लिए कंट्रीज एंड द इकॉनमी वर ट्राइंग, तो फिर एक बहुत बड़ा डेंट आया। बहुत बड़ा क्या आया डेंट, कि जो इन्वेजन था यूक्रेन का, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बाय रशिया, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स थे वो और ज़्यादा जो है डिक्रीज करे, और ज़्यादा वो डिक्लाइन करा। तो जब ये डिक्लाइन कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन वो डिफर कर सकता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। भाई जो लोग वहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे, जो लोग वहाँ से ज़्यादा इम्पोर्ट करते होंगे, उनको इफेक्ट, जैसे कि अगर हम ऑयल की बात करें, हम वीट की बात करें, हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें, ये सब जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलरली वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं उन कंट्रीज से, तो जो भी कंट्री लेती हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं, अब जैसे इंडिया के पास ही इस बार इंडिया ने बोला कि नहीं भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, हम जो है वीट एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन द थिंग इज बहुत सारी कंडीशंस ऐसी सामने आ गई, ये हीट वेव्स की वजह से कह लीजिए, या दूसरी कंट्रीज हमसे ले रही थी, उसके बाद वो आगे जो है सेल ऑफ कर दे रही थी, बहुत चीज़ें जो सामने आई इसके वजह से कहीं ना कहीं उस चीज़ों को स्टॉप कर दिया गया। तो ये एक कहीं ना कहीं, जैसे देखिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटी है वो इम्पैक्ट कर रही हैं, और इस तरीके से इम्पैक्ट कर रही हैं। जब हम अगर इस इन्विजन की बात करें, ऑलरेडी कोविड 19 की वजह से लोग बहुत परेशान थे, अब यहाँ पे इस आर्टिकल में जो मेंशनड है उस चीज़ को मैं जो है कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूँ कि एक इजी वे में आपको समझा पाऊँ, ताकि अगर आप ये आर्टिकल पढ़ते भी हैं तो आपको एक मदद मिले, और अगर आप नोट्स बनाते हैं यही सुन के तो भी आप बना सकें। तो कहीं ना कहीं जो एक ऑलरेडी जो चीज़ें थी वो चैलेंजिंग पार्ट में थी, जैसा हमने देखा कोविड 19 की वजह से, और ये इन्वेजन के वजह से चैलेंज जो है वो इंक्रीज कर गया है ना। एक तो हम ऑलरेडी जो हम बात कर रहे थे, रिकवरी तो डेफिनेटली अभी तक हुई ही नहीं थी, जो आफ्टर शॉक था किसका, कोविड 19 का, पैंडमिक का, और उसके बाद ये इन्वेजन जो हुआ यूक्रेन का, है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला, जो रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, वो एक कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर दिया, और ज़्यादा जो इकोनॉमिक रिकवरीज हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की या डेवलपिंग वंस की, दोनों के सामने एक बहुत बड़ा
चैलेंज जो है क्रिएट हो गया, स्पेशली अगर हम बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। देखिए सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो सप्लाई चाहे हमारे कैपिटल गुड्स की हो चाहे हमारे एसेंशियल्स की हो हर चीज़ में इम्पैक्ट करेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें उसमें भी इम्पैक्ट करेगा। हम ओवरऑल जो सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स होती हैं उसमें भी वो इम्पैक्ट करेगा, है ना। अनसर्टेन ग्लोबल ग्रोथ को जो है जो कहीं ना कहीं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा किस चीज़ का, डिसरप्ट होगी सप्लाई। और लास्ट दो साल से जो लॉकडाउन्स हो रहे थे अलग अलग चीज़ों में की मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स हैं वर्ल्ड के वो और सप्लाई में बॉटलनेक का जो काम कर ही रहे थे डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस करी हुई थी, है ना। बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है वो ऑलरेडी रिड्यूस करी थी, अब ये जो इन्वेजन की वजह से उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है। अब जो कॉन्सिक्वेंस है करंट सिचुएशन का, द टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैव परसिस्टेंट इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं एक तो यहाँ दो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की यहाँ जो बात हो रही है, एक तो प्राइस प्रेशर है ना, फिर दूसरा यहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है? कैपिटल आउटफ्लो ये होता है जैसे मान लीजिए कि कोई फंड है कोई पैसे हैं वो किसी न किसी कंट्री में इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन जब उस पर्सन को लगता है कि यार मुझे प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा है ना, जो मेरी इनकम होनी चाहिए वो इनकम मुझे नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है जो मनी है मनी को क्या करते हैं उस इकोनॉमी से उस कंट्री से हम पुल बैक करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके सेफ जगह है ना, सेफ इकोनॉमी में स्टेबल इकोनॉमी में जहाँ पे चीज़ें जहाँ पे रिटर्न सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वहाँ पे उस मनी को पार्क करते हैं। तो ये जो है ये कैपिटल आउटफ्लो का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा चीज़ों का जो चैलेंज है वो बढ़ा देगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, उनके लिए जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा वर्सन हो सकती हैं, है ना। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हमारी नई नहीं आएगी और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको अगर पुल आउट होगा तो फिर जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं डाउन जो है जाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए हमने ये जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं जो हमारे इकॉनमी से जो रिलेटेड है, जो मनी पार्क जो हम कैपिटल आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, हमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और जो प्राइस प्रेशर की बात कर रहे हैं, भाई जब प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग जो खरीदने वाले हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि लोगों की अगर इनकम नहीं बढ़ रही है और किसी चीज़ का प्राइस एस्केलेट हो रहा है, जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी ऑलरेडी लोग ले नहीं पा रहे हैं तो उनको भी फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपनी बेसिक नेसेसिटी की अगर चीज़ है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उन चीज़ों में, और कैपिटल आउटफ्लो का जो असर है वो डेफिनेटली पूरी इकॉनमी में किस तरीके से हो सकता है ये भी हमने देखा। इसी तरीके से कुछ चीज़ें जो मुझे लगी इस इकॉनमी से रिलेटेड जो है उसमें हमने डिस्कस करा इस आर्टिकल में, प्लस जो भी चीज़ें आज के हिंदू में मुझे लगा कि डिस्कस करना है उनको इन अ ब्रीफ मैनर हमने डिस्कस किया। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ आप जानकारी चाहते हैं, आप 2022 का मेंस लिखने का आपकी प्रोबेबिलिटी अगर हाई है उसकी तैयारी, आंसर राइटिंग, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई परेशानी है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।